हेलो फ्रेंड्स, माइसेल्फ जितेंद्र शुक्ला। आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन और उसके ब्रांचिंग की। तो देखिएगा, हाइड्रोकार्बन में हमने अभी तक पढ़ लिया था पिछले क्लास में कि हाइड्रोकार्बन जो हुआ करता है वो सैचुरेटेड हो सकता है। सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग ही हो तो सैचुरेटेड कहलाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हो जाया करता है एल्केन, एल्क और एन कहा करते हैं। इसका फार्मूला हुआ करता है CnH2n+2। अगर n=1 ले लेता हूँ तो आप यहाँ क्या करेंगे, C1H2 × 1+2 = क्या हो जाएगा, CH4। तो इसके लिए था, ऐसे ही आप n=2 के लिए सॉल्व करेंगे, ऐसा हम पढ़ चुके हैं पहले भी। आज हम समझेंगे कि इसमें ब्रांचिंग कैसे होती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर बात करते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, हैविंग क्या, ये दो तरह के हो सकते हैं। एक को हम लोग कहा करते हैं एल्कीन, ये हम पढ़ चुके हैं सर, ये रिपीट मैं कर रहा हूँ। आज इसके ब्रांचिंग को समझने की कोशिश करेंगे और इसके होमोलोगस सीरीज को समझने की कोशिश करेंगे। एल्कीन और अल्काइन, सर नए नए वर्ड आ रहे हैं, घबराइए बिल्कुल मत, बहुत सिंपल है। दूसरी बात, इसका फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला CnH2n, और अल्काइन में क्या हो जाएगा, CnH2n-2। मैं यहाँ पर सबके सबको बनाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। n=2 है तो देखिएगा, एल्केन को मैं बनाता हूँ, यहाँ एल्कीन को, यहाँ अल्काइन को, तो क्या हो जाएगा, n=1। और अगर आप यहाँ पर लेते हैं तो देखिएगा यहाँ पर क्या बन जाएगा, C1H और 2 होगा। यहाँ पर n=2 क्या लूँगा मैं, बोलिए 2 × 1 = क्या होगा, CH2। और इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिएगा आप कार्बन में दो हाइड्रोजन लगा करके आप इसके ऑक्टेट को कम्प्लीट नहीं कर सकते हैं। दो हाइड्रोजन है, अब यहाँ पर देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 बॉन्डिंग में एक्सपेंड हो गए, 2 बचे रह गए। तो बॉन्डिंग करने के बाद भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन कभी भी मिथीन नहीं हो सकता है, है ना। और यहाँ पर क्या पढ़ा करते थे, अगर मान लीजिए आपने यहाँ लिखा फार्मूला तो CN और M की वैल्यू हमने क्या लिया है, यहाँ पर N की वैल्यू 1 लिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल CN2 × 1 - 2 = क्या हो जाएगा, बिल्कुल 2 - 2 = 0, CH0 हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा पार्टिकल हो ही नहीं सकता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा, इनका फर्स्ट मेंबर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, C की जगह 2 ले लेता हूँ CnH2n के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पर लिया CN2 × 2 + 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × 2 = 4 + 2 = 6, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, C2H6 कहते हैं। और इसको क्या हो जाएगा, C2H × 2 × 2 = C2H4 हुआ करता है। अब आप देखिएगा यहाँ पर ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो आप देखिएगा कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, बहुत आसान है, है ना। C और C बना लिया हमने, बिल्कुल C2H4 को बनाने के लिए कार्बन को सबसे पहले ड्रॉ करिए, फिर कुल कितने हाइड्रोजन हैं, जितने टोटल हाइड्रोजन हैं उसको इक्वली बांट देते हैं। चलिए तो H और H को लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, चलिए अब क्या हुआ, ऑक्टेट को चेक करिए तो देखिएगा 1, 2, 3, यहाँ पर 3 बॉन्ड हैं, एंड 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स 2, 3 = 6, कार्बन हैज नॉट कंप्लीटेड इट ऑक्टेट। तब क्या करेंगे, एक बॉन्ड आप यहाँ पर और लगाइए, चलिए अब देखिए चेक करिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर दोनों कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, सो दैट इट इज वन ऑफ द एल्कीन। इसका नाम बोलिए, एक दो कार्बन है तो ईथ, प्लस एक डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपने सही कहा, ईथ इन कहते हैं इसको। अच्छा एक और बात देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा CN C2 ले लेता हूँ, 2 × 2 - 2, यहाँ पर क्या लिखना है, C2H2 लिख देता हूँ, 2 × 2 = 4, 4 - 2 = 2। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग बनाइए, दोनों हाइड्रोजन को एक एक को बराबर बराबर बांट दीजिए। अब देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या, नहीं हुआ, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, कार्बन हैज स्पेशल टेंडेंसी टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनाइए, देखिए कंप्लीट हुआ क्या, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, 1, 2, 3 बॉन्ड है, एक कार्बन के अराउंड में 4 बॉन्ड होने चाहिए, याद रखिएगा। सो स्टूडेंट्स हमारे पास 4 बॉन्ड हो गए इस कार्बन में, इस कार्बन में भी 4 बॉन्ड हो गए, तो 4 × 2 = 8, इसका मतलब ऑक्टेट ऑफ
दिस कार्बन एंड दैट कार्बन आल्सो कंप्लीटेड, इट मीन्स ये मॉलिक्यूल सही है। इसका नाम सोचिए, अरे भाई दो कार्बन हैं, दो को हम लोग कहा करते हैं ईथ। ये चार्ट आप देख रहे होंगे, आप चार्ट को ध्यान रखिएगा, मेथ एथ प्रोब ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट है ना, ये जो भी है इसमें नंबर ऑफ कार्बन को हम कहाँ से शो करते हैं, इन्हीं से। एक कार्बन को मतलब मेन चैन में कितने कार्बन हैं इसी रूट से तय किया जाता है। तो देख के यार, चलिए इसको बार बार आप पहले भी लिख चुके होंगे, इसको पिछली वीडियो हमने देखा था। इसको ईथ है, ईथ के साथ में क्या लगाना है आपको, वाई एन ई सफिक्स लगता है इसमें एन की जगह। देखिए कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्डिंग है तब एन लगता है, टेक केयर। जहाँ कहीं एन लिखा हुआ मिल गया मेथ एथ के साथ में, वर्ड रूट या नंबर ऑफ कार्बन को शो करने के बाद अगर एन लगा हुआ मिल गया, इसका मतलब पक्का है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है। और कहीं इन लगा हुआ मिल गया है ना, मेथ इन एथ इन प्रोप इन इन मिल गया, पक्का है ये डबल बॉन्ड जरूर होगा, उसमें एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड हो सकते हैं। और अगर आइन लिखा हुआ मिल गया सफिक्स के फॉर्म में, मतलब किसी वर्ड रूट के बाद में, कार्बन चैन के नंबर के बाद में, पक्का है वो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड उसमें जरूर होंगे। और हमने क्या लिखा, इस तरह कंपाउंड मुझे मिल गया। अच्छा, एक मजे की बात ध्यान से देखिएगा कि व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन, बोलिए। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन इज एथीन, ये मिथाइन मेथीन नहीं हो सकता है, मेथीन इज नॉट द फर्स्ट मेंबर, टेक केयर। और फर्स्ट मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट इज एल्केन इज, यस इट इज। और सेकंड मेंबर क्या होगा, ई टी एच ए एन ई, ईथ माने दो कार्बन, एन माने कार्बन, कार्बन की सिंगल बॉन्डिंग होगी। इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने पिछली वीडियो में बनाया था, आप लोगों ने अच्छे से ड्रॉ कर लिया होगा। तीन हमारे पास कुल सिक्स कार्बन हैं और उनको बराबर बराबर मैंने बांट लिया है दोनों में। तो देखिएगा 1 2 3 4 चार बॉन्ड इस कार्बन के, चार बॉन्ड उस कार्बन में, ऑक्टेट के पीछे दुनिया भाग रही है। जैसे हम लोग, हम सब की इच्छाएं क्या होती हैं कि अच्छे से खाना मिले हमें, वी शुड टेक गुड फूड्स, सोशल स्टेटस अच्छा हो, हम अच्छे से लाइफ को जी सकें, ये हमारी इच्छाएँ होती हैं। इसे हर एटम की इच्छाएँ क्या होती हैं, हाइड्रोजन की इच्छा होती है कि मैं अपना ड्यूप्लेट पूरा करूँ, और कार्बन की इच्छाएँ होती हैं कि अपना ऑक्टेट पूरा करे। तो ऑक्टेट के चक्कर में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट मेंबर के बारे में, तो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन इज इथीन, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन इज क्या होगा, इसका नाम बताइए आप लोग। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ई टी एच वाई एन ई एस, ये फर्स्ट मेंबर है अल्काइन का, आपको जान के अच्छा लगेगा। इसको क्या कहते हैं, एसीटाइलीन भी कहते हैं इसको, इसको एसीटाइलीन कहते हैं, ये कॉमन नेम है, आप इसको ध्यान नहीं देंगे, जरूरत नहीं है इसकी, एसीटाइलीन कहते हैं, लेकिन इथाइन को एसीटाइलीन भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है, कॉमन नेम है इसका, एथाइलीन के नाम से जाना जाता है इसको, ये इसका कॉमन नेम है, घर का नाम आप समझ लीजिए, कॉमन नेम है। और ये भी इसका कॉमन नेम है, जो मैंने ऊपर लिखा है कॉमन ये नेम है, और ये जो ऊपर लिखा है वो IUPAC नेम है। ये क्या है यार, ये ऊपर वाला क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने ये नाम बनाया है, तो इसका एक सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर है। ये क्यों ऐसा नाम आ गया, इसका कोई नियम कानून नहीं है, है ना, एक सिंपल सा जो साइंटिस्ट लोगों ने पहले में नाम बना लिया उसके पीछे ही वही चला आ रहा है कि इथाइलीन कहा जाएगा इसको, और इसको एसीटाइलीन कहा जाता है। ऐसे ही कुछ कुछ और नाम आएंगे, आगे हम बात करेंगे तो सब कंपाउंड के IUPAC नेम की बात करेंगे, कॉमन नेम की बात नहीं करेंगे, बस आपको समझने के लिए। कभी ऐसा कोई कंपाउंड आ गया और आपको मालूम ही नहीं क्या है तो आप घबराएं नहीं, एक एक नाम आप थोड़ा ध्यान रखिएगा फर्स्ट मेंबर का। अच्छा चलिए आगे खुद से बनाइए इसका फटाफट। बिल्कुल, अगर मैं एनर्जी इक्वल टू क्या लेता हूँ, 3 लेता हूँ, तो देखिएगा आप क्या करेंगे, C3H2 × 3 + 2 = क्या हो जाएगा, C3H8। इसका सेकंड मेंबर क्या हो जाएगा, C2 × 3, बोलिए क्या हो जाएगा, यस C3 होगा, यहाँ पर C3H6 हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए 1 2 3 कार्बन बना दिए, हाइड्रोजन हमारे पास 6 है और कार्बन 3 है, तो क्या करेंगे, दोनों को बराबर बराबर, सबको बराबर बराबर देने की कोशिश आप करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका ऑक्टेट तो कम्प्लीट हो ही नहीं रहा है, क्या हो रहा, देखिए इसका तो हो गया लेकिन इनका नहीं हुआ है, इनका भी नहीं हुआ है। तो आप ऐसा करिए, कैसा करेंगे भाई, देखिए यहाँ पर आप ऐसा कर लीजिए, मैंने इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ कर दिया है, इसका ऑक्टेट चेक करिए, नंबर
वन टू थ्री फोर, फोर बॉन्ड हो गए हैं इसके, चार बॉन्ड इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ वन टू थ्री, वन टू थ्री, देखिए मैंने कहा था आपसे जहाँ कहीं ऑक्टेट कंप्लीट ना हो डबल बॉन्ड लगाने की कोशिश करना है हमें, और डबल बॉन्ड लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन को वहाँ कर दिया है, बराबर बराबर नहीं बांटा है। फिर से सुनिएगा, पहले आप कार्बन को बनाइए, फिर हाइड्रोजन को अटैच करिए, बराबर बराबर बांट दीजिए, और फिर आप देखिए कि अगर बराबर बराबर बांटने से भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तब हाइड्रोजन को ऐसी जगह लगा दीजिए अगल बगल कि करस्पॉन्डिंग दो कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहे। अब हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। तो अभी डबल बॉन्ड हम कहाँ से लगा सकते हैं, कहाँ पर लगाइए आप सोचिए, बिल्कुल देखिए वन टू थ्री, टू जा सिक्स, इसका सिक्स स्टेट कंप्लीट है, वन टू थ्री सिक्स इलेक्ट्रॉन है दोनों के सेल में, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आप लगा दीजिए, देखिएगा बिल्कुल किसी एल्कीन का करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि ये क्या होता है, अनसेचुरेटेड है, मतलब कुछ चीज़ों में पक्का है, कहीं ना कहीं पर यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा, इट मीन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड है। इसका नाम सोचिए, जल्दी से बताइए, चलिए इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करके बताएंगे, क्वाड रूट क्या है उसका, आईपीएससी नेम आपको बताना है, चलिए ठीक है। और इसका भी स्ट्रक्चर आप अपने से बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं C3H4, चलिए इसको मिटा करके इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फिर आगे समझने की कोशिश करते हैं कि इनको हम और कैसे कैसे तरीकों से लिखा जा सकता है या इनका आपस में क्या रिलेशन है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, तो फार्मूले के हिसाब से कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए n=1 है, इफ़ n=1 लेते हैं सब में, इसमें यहाँ पर n=2 लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH4 बना था हमने अभी देखा था, यहाँ पर क्या बनेगा, C2H6। अच्छा, आप कैसे पहचानेंगे कि सी एक का दूसरे से क्या रिलेशन है, CH4 C2H6 में आपस में क्या रिलेशन है, देखिएगा अगर जो भी कंपाउंड CnH2n+2 को फॉलो करते हो उनको कहा जाता है एल्केन। आप देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, C3 क्या होगा, H3 + 6 + 2 = क्या हो जाएगा, 8। ये फार्मूला हमने अभी निकाला था, बिल्कुल n=4 के लिए क्या था, C4 + 8 + 8 + 2 = 10। तो स्टूडेंट्स इनका आपस में क्या रिलेशन है, देखिएगा इस कंपाउंड से CH4 से यहाँ लाने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस CH2 कर देते हैं, तो देखिए C2H6, वेरी गुड, और यहाँ से यहाँ लाने के लिए क्या करते हैं, प्लस CH2 कर देते हैं, C2H6 में CH2 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ लाने के लिए क्या हो जाएगा, प्लस CH2 कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स अगर कोई स्पीसीज में CH2 का डिफरेंस आ रहा हो और वो सेम जनरल फार्मूले को फॉलो करता हो, ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, होमोलोगस सीरीज कहा जाता है ना, आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा होमोलोगस आर्गन, ऐसा आर्गन जिनके स्ट्रक्चर तो सेम होते हैं लेकिन फंक्शन अलग अलग होते हैं, जैसे फोर लिंब है ना, बायो में पढ़े होंगे, क्या होता है होमोलोगस सीरीज, यस कंपाउंड हैविंग सेम जनरल फार्मूला एंड हैविंग, और उसके द डिफरेंस इन दो कंजुकेटिव मेंबर, उसके दो लगातार मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। अगर मास के हिसाब से देखें तो क्या होता होगा डिफरेंस, कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, इसका 1 + 1 = 2 = कितना हो जाएगा, 14 यूनिट, मतलब दो होमोलोगस सीरीज में 14 यूनिट मास का डिफरेंस हुआ करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि n = 5 का, तो इसका नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज क्या होगा, मतलब एल्केन का फिफ्थ मेंबर क्या होगा, या आपसे कहा जाए कि ब्यूटेन का नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज क्या होगा, तो आप क्या बनाएंगे, बिल्कुल नेक्स्ट का मतलब होता है C4 है, तो यहाँ क्या कर देंगे, C5 कर देंगे। फिर सुनिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपकी फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्केन क्या होगा, तो आप ये लेंगे क्या, C5 लेंगे है ना, और H कितना होगा, H हमेशा ट्वाइज से टू ज़्यादा, मतलब C5H12, तो इट इज़ द फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्केन। अब आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज ऑफ या होमोलोगस कंपाउंड ऑफ ब्यूटेन, तो आप ये लिख देंगे C5H12। क्यों सर, कैसे मालूम पड़ेगा, अरे भाई यहाँ से यहाँ में आप देख लीजिए CH2 का डिफरेंस है
है ना, यहाँ से CH2 माइनस करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, और यहाँ से इसके पहले वाला भी निकालना है, किसी कंपाउंड के पहले का होमोलोगो सीरीज आपको निकालना है तो आप बैकवर्ड भी जा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, ऐसे कुछ और भी कंपाउंड आप बनाएंगे। ये तो मैंने एल्केन का एक होमोलोगस सीरीज बनाया है, और होमोलोगस कंपाउंड जो हुआ करते हैं उनकी प्रॉपर्टी ये सेट ऑफ प्रॉपर्टी हुआ करती है। जैसे क्या प्रॉपर्टी होती है, होमोलोगस सीरीज के सारे एलिमेंट कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर होती है, बस डिफरेंस क्या होता है इनके बॉइलिंग पॉइंट में होता है। क्या डिफरेंस होता है देखिएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में ये डिफरेंस हुआ करता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। कौन से मास से, मॉलिक्यूलर मास। मतलब ये है कि मेथेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा C2H6 से, है ना। किसी होमोलोगस सीरीज में हमें यही ध्यान रखना है कि मास को बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपसे कहे कोई कि ब्यूटेन ये इथेन और प्रोपेन में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो किसका होगा, प्रोपेन का होगा। इससे आपसे कहा जाए कि C10 ले लेता हूँ और H22, तो इनमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो C10H22 का होगा, क्योंकि यहाँ पर मास बहुत ज़्यादा है। और आपको एक खास बात बताता हूँ मैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा मतलब ये गैस के फेज में होते हैं। ये देखते हैं एल्कीन का भी कुछ होमोलोगस सीरीज। जैसे बेटा C=N1, हमने कहा था कि इसका कोई N=1 में कोई कंपाउंड हुआ नहीं करता है, जिसको हम लोग कहा करते हैं। इसका फर्स्ट मेंबर कौन होता है, C2H4 हुआ करता है। नेक्स्ट क्या होगा, बिल्कुल C3 कार्बन से ट्वाइस होगा हाइड्रोजन, C3H6, C4H8 एल्कीन के हिसाब से। अब आप देखिएगा कैसे होगा, सर फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन ये C2H4 हुआ करता है, और इसमें क्या करेंगे, प्लस CH2 आप कर दीजिए, प्लस CH2 कर दीजिए, तो C3H6 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज प्राप्त करने के लिए, टू गेट द नेक्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज वी एड CH2। और आगे आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से CH2 करेंगे अगर प्लस कर लेते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, बिल्कुल C5H10। इस तरह से आप आगे इसमें और करना है तो क्या जाएगा, C6H12 नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज हमें मिल जाएगा। सो कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, CH2 को ऐड कर देने से नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज मिल जाया करता है। इसके नाम की मैं बात करता हूं तो नाम क्या होगा, बिल्कुल दो कार्बन है तो ईथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो ईथ इन होगा। इसमें क्या होगा याद करिए, बिल्कुल देखिएगा इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, एक ट्रिपल डबल बॉन्ड होगा, एच को आप खुद से लगाएंगे। इसका नाम क्या होगा मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, प्रोप इन, और एच को लगा देते हैं। एच को कैसे लगाएंगे, बिल्कुल ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एच को आप जहाँ चाहें वहाँ लगा दीजिए, है ना, ऑक्टेट बस कंप्लीट होना चाहिए। देखिए 6 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है, ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका स्ट्रक्चर खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसका भी N=1 में एल्कीन कोई मेंबर नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। हमने अभी देखा था फर्स्ट मेंबर क्या होगा, C2H2 होता है, और इसका स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ HH हुआ करता है, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। इसका नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज कैसे मिलेगा बोलिए, C2 के बाद क्या हो जाएगा, C3H6, यस, फिर क्या होगा C4, आई थिंक यहाँ क्या होगा C3H6-2 4 होगा। फिर से देखिए जो इस फार्मूले को फॉलो करता हो वही बनाना है, 4 2 8 -2 = 6। अच्छा अब होमोलोगस के हिसाब से सॉल्व करते हैं, यहाँ से यहाँ नेक्स्ट होमोलोगस लेने के लिए प्लस CH2 कर देंगे, चलिए ये मिल गया। यहाँ से यहाँ करने के लिए प्लस CH2 ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ लेने के लिए क्या करते हैं प्लस CH2 कर लेते हैं, तो बताइए क्या बनेगा, C5 6+2 8 H8। आप ऐसे ही बना सकते हैं, C6 H10 हो जाएगा, है ना, CH2 इसी में प्लस कर देना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी होमोलोगस सीरीज में CH2 का डिफरेंस हुआ करता है या मॉलिक्यूलर मास 14 का डिफरेंस हुआ करता है, ऐसा हमने पढ़ लिया है। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग, इनमें से मैंने जो बनाया है ये होमोलोगस सीरीज, इसमें एक किसी होमोलोगस सीरीज के कंजुकेटिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस हुआ करता है, किसी होमोलोगस सीरीज में सारे मेंबर की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी किसकी, सर इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन।
और इनका क्या होगा, इनका केमिकल प्रॉपर्टीज यस इससे थोड़ा सा अलग होगा। ये तो बात हो गई कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर को कितने तरह से चैन करके या ब्रांचिंग करके या रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं, चैन की मैं बात कर रहा था। जैसे मान लीजिए मैंने इसको नाम दिया है ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन नाम का एक कंपाउंड है। सो स्टूडेंट्स अगर इसमें एच को लगाते हैं तो ब्यूटेन का फार्मूला हुआ करता है, क्या होता है बोलिए, यस दैट इज C4H10 हुआ करता है। ब्यूटेन लिख दिया मतलब कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग सिंगल होगी। तो ये एक तरीका है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम चैन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा चैन या ब्रांच को, इसमें पैरेंट चैन में कितने कार्बन हैं, देयर आर 4 कार्बन, सिर्फ ब्यूटेन है। इसका एक स्ट्रक्चर ये होगा ब्यूटेन का। एक तरीका लिखने का इसका और भी हो सकता है, क्या है, पैरेंट चैन में मैंने 3 कार्बन रख दिए हैं, 1, 2, 3 और ये ऐसा, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 4 कार्बन तो हो गए हैं इसमें। अच्छा अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को अरेंज करना है। तो देखिएगा एक बच्चे ने ब्यूटेन का फार्मूला ऐसा बनाया और दूसरे बच्चे ने जैसा मैंने ऊपर बनाया है उसको ऐसा बनाया है। अब मैं किसको सही मानूं, तो देखिएगा आप किससे रिक्वेस्ट है कि आप ये देखें कि आप पैरेंट चैन बनाएं। तो देखिएगा यहां पर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 4 कार्बन स्ट्रेट चैन में ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा, इसके नाम करने के लिए ध्यान से देखिएगा इसको क्या कहते हैं, फिर से सुनिएगा, ये जो CH3 ग्रुप होता है CH3, इसको कहा जाता है मिथाइल। सर ये होता क्या है, बिल्कुल मिथाइल क्या होता है, एक वैकेंट वैलेंसी हुआ करती है CH3 और ये CH3, इसको मिथाइल कहते हैं। और ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए CH है और यहाँ पर H, यहाँ पर H और इस तरह का हो, बेटा इसको इथाइल कहते हैं, सर आप इथेन क्यों नहीं कह रहे, अरे यार एक H कम है ना यहाँ पर, तो आप इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, C2H कितने हैं गिनिए, बिल्कुल C2H5, एक वैकेंट वैलेंसी। तो आप ध्यान रखेंगे ये क्या है सर, इसको अल्काइल ग्रुप कहा जाता है, अल्काइल कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा अल्काइल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल इसका फार्मूला होता है CnH2n+1। सर ये क्या है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये साइड चैन में ही लगता है हमेशा। सर आप कहना क्या चाहते हैं, देखिए मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि सभी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, यस। इसमें फार्मूला क्या होगा, C4H10, यहाँ फार्मूला क्या होगा, गिनिए 1, 2, 3, 4 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 8, 10 10 कार्बन होंगे यहाँ पर, 1, 10 यहाँ पर होगा, सभी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। फार्मूला क्या होगा, बिल्कुल C4H10। जब दो मॉलिक्यूल के फार्मूला सेम हो और उनके स्ट्रक्चर अलग अलग हो उनको कहा जाता है आइसोमर। क्या कहा जाता है, बिल्कुल आइसोमर कहा जाएगा स्टूडेंट्स, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो उनको कहा जाता है आइसोमर्स। अच्छा एक मजे की बात है सर, इसका नाम क्या होगा, नामकरण संस्कार करते हैं उसके लिए आप कार्बन में नंबरिंग कर लें, कार्बन की नंबरिंग 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर का कार्बन, तो साइड चैन कहां पर लगा हुआ है, नंबरिंग आप जरूर करें। और नंबरिंग करते समय ध्यान रखें कि जो साइड चैन लगा हुआ है, चाहे नंबरिंग लेफ्ट साइड से करें चाहे राइट साइड से करें, नंबरिंग करते समय ये ध्यान रखें कि जो साइड चैन लगी हुई है, साइड चैन जो लगी हुई है इसको कहते हैं साइड चैन, है ना, और इसको क्या कहते हैं, पैरेंट चैन, मतलब मेन चैन भी कहते हैं भैया, पैरेंट चैन भी कहते हैं। तो जो साइड चैन है उसका नाम लिखते समय ध्यान रखते हैं कि नंबरिंग उधर से करिए जहाँ से साइड चैन शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर वाला, कि प्रोपेन के केस में चाहे लेफ्ट से करें चाहे राइट से करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आइए इसका नामकरण संस्कार करते हैं क्या हो जाएगा, देखिएगा बिल्कुल पैरेंट चैन में कौन है, पैरेंट चैन में तो देखिए प्रोप है तो प्रोप है, कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्डिंग है तो प्रोप प्लस एन लिख देता हूँ, और इसके इसमें साइड चैन का नाम क्या आएगा, तो मिथाइल है, वेरी गुड। लेकिन ये मिथाइल भाई साहब लगे कहाँ पर हैं बोलिए, मिथाइल लगा है कि इथाइल लगा है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल CH3 मतलब मिथाइल लगा हुआ है, लगा कहाँ पर है, 1 पर कि 2 पर, सोचिए सोचिए, यस बिल्कुल सही कहा आपने, 2 नंबर पर लगा हुआ है। किसी नाम और नंबर को हमेशा हाइफन से अलग करते हैं, नाम और नंबर को हमेशा हाइफन से अलग करते हैं, इन सब को इकट्ठा कर लीजिए, इनका नाम मिल जाएगा। इसका नाम मैं थोड़ा साफ सुथरे जगह पर लिखने की कोशिश करता हूँ, क्या बन जाएगा, बिल्कुल दैट इज 2 मिथाइल प्रोप और एन है कि इन है, बिल्कुल प्रोपेन है, ये इसका नाम होगा। सो स्टूडेंट्स कंपाउंड नंबर ए और ये कंपाउंड नंबर बी दोनों में क्या रिलेशन है, तो दोनों आइसोमर है एक दूसरे को। चलिए आइए सीखते हैं कि पेंटेन के आइसोमर कैसे बनाएंगे और कितने आइसोमर बन सकते हैं।
तो C5H12 की बात करते हैं, तो 1, 2, 3 पहले कार्बन को बना लिया करते हैं, 5 कार्बन लगेंगे। अब आप देखिएगा इसमें हाइड्रोजन को लगाने से पहले देखिएगा पेंटेन है ये, इसका नाम हो जाएगा पेंट और एन लगेगा क्योंकि ये CnH2n+2 के फॉर्मूले को फॉलो करता है। यहाँ पर हाइड्रोजन को लगाना है हाइड्रोजन, और यहाँ पर इस तरह से मेरा पेंटेन बन गया। अब देखिएगा इसका नाम होगा पेंटेन कहते हैं, इसको एन पेंटेन भी कहते हैं। ये स्ट्रक्चर नंबर ए हो गया और पेंटेन कहते हैं। मैं एक स्ट्रक्चर और बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं पेरेंट चैन में, यहाँ पर पेरेंट चैन में देयर वेयर 4-5 कार्बन, और यहाँ पेरेंट चैन में मैंने 4 कार्बन रखे हैं और एक को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ स्टूडेंट्स। और अब हाइड्रोजन को लगाइए। अब हाइड्रोजन को लगाते समय आप ध्यान रखें कि उतने हाइड्रोजन को लगाएं जिसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और हाइड्रोजन ज़्यादा भी ना हो जाए जितना हमारे पास है। हमारे पास कुल 12 हाइड्रोजन हैं, तो आप कहीं भी लगा दीजिए, बस ऑक्टेट से ज़्यादा ना हो जाए। कार्बन अपने ऑक्टेट को ज़िंदगी में एक्सटेंड नहीं कर सकता है। तो सर इसका नाम क्या होगा? नाम आप लोग सोचिए, फटाफट सोचिए। ये साइड चैन है बेटा, इसका नाम क्या होगा? बिल्कुल साइड चैन है ये, और ये कौन होगा? बिल्कुल दैट इज पेरेंट चैन है ये, है ना, जो हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं पेरेंट्स हमारे, तो चैन है ये। खैर छोड़िए, C2H5 यहाँ मैं लिखा था, वो मैं दिखा रहा था। सो स्टूडेंट्स, पेरेंट चैन में अब इसका नाम कैसे करेंगे? नाम का संस्कार करने के लिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे? मैं नंबरिंग करता हूँ 1, 2, 3, 4। अच्छा, एक बच्चे ने क्या किया, नंबरिंग उधर से कर दिया। तो नंबरिंग राइट साइड से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे? सोचिए, अरे नंबरिंग यहाँ लेफ्ट साइड से करेंगे। क्यों सर? अरे भाई, द साइड चैन मस्ट गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, ये हमारा IUPAC रूल कहता है। फिर हम लोग फंक्शनल ग्रुप में भी इसको यूज करेंगे बाद में। सर क्या होगा, पेरेंट चैन का नाम पहले लिखिए, तो क्या होगा? पेरेंट चैन में ब्यूट है स्टूडेंट्स, और क्या हो जाएगा? ब्यूट प्लस एन है, सिंगल बॉन्डिंग इसीलिए एन लगा दिया है। और ये मिथाइल ग्रुप कहाँ पर लगा हुआ है? 2 नंबर के कार्बन पर लगा हुआ है, तो 2 नंबर पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है, बिल्कुल। तो ये हमारा बन गया क्या, आप इसका नाम लिखेंगे 2-methyl-butane। ऐसे इसके क्या कोई और स्ट्रक्चर बन सकते हैं? चलिए एक आठ और बना के देखते हैं। ये स्ट्रक्चर नंबर इसका B हो गया है, मैं यहाँ पर एक और बनाने की कोशिश करता हूँ। ये एल्कीन नहीं है, इनको बाद में पढ़ेंगे। आप देखिएगा सी को बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं पेरेंट चैन को चेंज करता हूँ, यहाँ पर 3 कार्बन ले लेते हैं। बिल्कुल पेरेंट चैन में 3 कार्बन। अब मैं क्या करता हूँ, अपने मन से 1 कार्बन को ऊपर ले लेता हूँ और 1 को नीचे। ओके, अब H को लगाना शुरू करिए फटाफट। तो सब में H को लगा देता हूँ मैं। हमारे पास H गिनती के ही हैं, ध्यान रखेंगे किसी H को लगाने से समय आप ध्यान रखें कि ऑक्टेट को एक्सटेंड ना कर दें। आप बस अब अंदाज से लगा दीजिए, सही आएगा सब अपने आप। सो ऑक्टेट को चेक कर लीजिए सभी का। देयर आर 12 हाइड्रोजन 5 कार्बन। अब सर क्या है ये साइड चैन? बाप रे, दो दो साइड चैन बन गई। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग कहीं से भी कर दीजिए, 1, 2, 3। 2 नंबर पर साइड चैन लगे हुए हैं। आप एक ध्यान से देखिएगा, साइड चैन कहते हैं इसको। इसको क्या कहेंगे? बिल्कुल साइड चैन है। ये कौन है सर? बिल्कुल पेरेंट चैन है। सर इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? तो देखते हैं पेरेंट चैन में कितने कार्बन है। 3 कार्बन है, मैंने लिखा 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप। और कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग कैसी है? सिंगल है, तो प्रोप प्लस एन। और ये साइड चैन में क्या लगा हुआ है? बिल्कुल साइड चैन में मिथाइल लगे हुए हैं। लेकिन एक दिक्कत है स्टूडेंट्स, मिथाइल तो दो दो लगे हुए हैं, तो दोनों के बारे में बताना है, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? तब यहाँ पर लिखेंगे आप डाई मिथाइल। क्यों सर? डाई क्यों लिखें? क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, है ना। लेकिन दोनों मिथाइल ग्रुप कहाँ लगे हुए हैं? दोनों 1 नंबर पर, 2। यस, 2 नंबर पर। तो दोनों के पोजिशन को आपको बताना है, 2, 2। फिर से सुनिए, 2, 2 डाई मिथाइल। 2 नंबर नहीं लिखेंगे, दोनों अगर दो साइड चैन लगे हैं तो दोनों साइड चैन की पोजीशन आपको बतानी है, 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। हमें क्या बन जाएगा? 2, 2 और डी कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेंगे। IUPAC में ध्यान रखेंगे, बाकी आप इकट्ठा करके लिख दीजिए। तो 2-methyl-propane बन गया इसका नाम, 2-dimethyl-propane। आप देखिएगा ये स्ट्रक्चर नंबर ABC। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पेंटेन के मैक्सिमम 3 isomers पॉसिबल हैं। सो स्टूडेंट्स, डिफरेंस क्या आएगा, ध्यान रखेंगे स्ट्रक्चर नंबर ए बी और सी में। आपको एक और खास बात मैं बताता हूँ कि इनके केमिकल रिएक्टिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस रहेगा। क्या बेटा? इनका बॉइलिंग पॉइंट
कैसा होगा, ए का सबसे ज़्यादा, बी का कम और सी का सबसे कम होगा। सर क्यों होगा? अरे भाई वो आप बाद में पढ़ेंगे, मास तो बराबर है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ए का ज़्यादा होगा। जब किसी का ब्रांचिंग हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। आप यहाँ पर एक शॉर्टकट में लिख लीजिए अभी के लिए, बाद में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे इसको, कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। किसी भी चीज़ का अगर आप ब्रांचिंग कर देते हैं, मेन चैन से ब्रांचिंग कर देते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ग्रेटर द ब्रांचिंग लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, किसी के लिए भी, हेक्सेन के लिए भी यही काम करेगा, है ना। हेक्सेन के आइसोमर को खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए ये तो हमने क्या बात किया, हमने आइसोमर के बारे में बात किया, आप खुद से आइसोमर को बनाने की कोशिश करेंगे हेक्सेन के। हालांकि थोड़ा सा टफ है, कई सारे स्ट्रक्चर बनेंगे उसमें, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि हेक्सेन के कितने आइसोमर बने मुझे, और कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि आपने हेक्सेन के आइसोमर बनाए हैं वो कितने बने हैं। ये तो हमने आइसोमर को समझा है, आइसोमर कैसे बनाएंगे, हेक्सेन का खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। आप एक बात का ध्यान रखेंगे, दो आइसोमर में अगर आपको कहीं डाउट लगे कि आइसोमर है कि नहीं है, तब आप उसके नाम को जरूर मैच करें, है ना। मतलब दो आइसोमर के नाम कभी सेम नहीं हो सकते हैं। मतलब आइसोमर है कि नहीं है आप उसका नाम लिख लीजिए स्ट्रक्चर बना करके, और फिर आप देख लीजिए अगर नाम अलग अलग आ रहा है तो मतलब उसका आइसोमर है। जैसे आपने क्या किया था यहाँ पर किया था, है चल ठीक है, ये तो आइसोमर की बात हो गई। चलिए एक स्ट्रक्चर साइक्लिक समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं अगर सी वन है या सी टू है किसी कंपाउंड में, जैसे सी का कोई भी कंपाउंड दे दिया है, सी एक्स एच वाई, कुछ भी दे दिया है, सी वन सी टू है, तो यहाँ पर कोई रिंग नहीं बनेगी, दो कार्बन की कोई क्लोज्ड रिंग नहीं बन सकती है। थर्ड कंपाउंड में लेता हूँ सी थ्री का, सी थ्री का मान लीजिए उन्होंने दे दिया है सी थ्री एच सिक्स, इसका एक रिंग बनाइए, तो बहुत सिंपल सा है। देखिए कैसे बनाएंगे, तीन कार्बन को आप कैसे भी लगा लीजिए और आपस में इनको कनेक्ट कर दीजिए, तो ये क्लोज स्ट्रक्चर जो बनता है ये रिंग है। अब आप हाइड्रोजन को लगाएंगे, अब हाइड्रोजन कैसे लगाएंगे, बिल्कुल ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए आप ऐसे लगा लेंगे, सभी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और आपके हाइड्रोजन भी पूरे हो जाएं। अब इसका नाम क्या होगा, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, इसमें कार्बन में नामिंग नेम कैसे लिखेंगे, देखिए कार्बन कितने हैं, कार्बन है तीन, तो क्या होगा प्रोप, और कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग कैसी है, तो आपने कहेंगे सिंगल, तो दैट इज ए प्रोपेन, लेकिन प्रोपेन तो दूसरा ओपन स्ट्रक्चर होता है। अरे यार ये साइक्लिक है, तो आप इसमें शुरू में सफिक्स प्रीफिक्स लगा दीजिए साइक्लो, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, साइक्लिक है तो साइक्लो, यस साइक्लो प्रोप और एन, इसका आईपीएसी नेम होता है साइक्लोप्रोपेन। टेक केयर, प्रोपेन से अलग है सर, प्रोपेन का फार्मूला हुआ करता था C3H8, यहाँ पर क्या है साइक्लोप्रोपेन है। C4 को ले लेते हैं, C4 में क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ C4H8, है ना, देखिएगा कैसे बनेगा, 1, 2, 3, 4, चार कार्बन को मैंने क्लोज स्ट्रक्चर कर दिया। मतलब ध्यान रखेंगे तीन या तीन से अधिक कार्बन का कोई फार्मूला है तो उसमें साइक्लिक चेन पॉसिबल है, तीन से कम कार्बन है तो वहाँ पर साइक्लिक पॉसिबल नहीं है। अब मैंने, मेरे पास हाइड्रोजन 8 है तो मैंने सभी कार्बन को बराबर बराबर हाइड्रोजन दे दिया है। आप इसको खुद से बनाइएगा, इसका नाम आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे, क्या हो जाएगा देखिएगा, ब्यूट है, ब्यूट माने चार कार्बन, तो मतलब ब्यूट, और कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल है, तो आपने कहा सर एन लगेगा, और स्ट्रक्चर कैसा है, साइक्लिक है कि नहीं है, बिल्कुल साइक्लिक है, तो क्या लिखेंगे CYCLO साइक्लो, इसका नाम इकट्ठा करके क्या लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन, खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। अच्छा एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड है जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हुआ करते हैं, तो मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ C6 में, देखिएगा उसका फार्मूला हुआ करता है C6H6 हुआ करता है, तो इसको बेंजीन कहा करते हैं और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल हुआ करता है। देखिएगा इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, बेंजीन के रिंग, इसमें भी रिंग स्ट्रक्चर हुआ करता है बेंजीन का, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें पर्टिकुलर तरह का एक स्मेल हुआ करता है। अब C6H6 है तो क्या करेंगे, सभी कार्बन को एक एक हाइड्रोजन दे दीजिए आप, बराबर बराबर हम लोग बांटेंगे। सर आपने जैसा कहा था वैसा तो बना दिया, हमने ये तो कर दिया है, ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ, हमारे पास हाइड्रोजन लगाने के लिए है ही नहीं, अगर एक हाइड्रोजन और लगा दें तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, क्या करें। इसमें क्या होता है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो गिनिएगा C1 कार्बन, इसको मैं ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4,
फोर बॉन्ड मतलब एट इलेक्ट्रॉन, सभी कार्बन के अराउंड में आप काउंट करेंगे तो एट इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो बेंजीन का ये स्पेशल स्ट्रक्चर है। आप इसको एल्कीन मत समझिएगा, साइक्लो एल्कीन मत कहिएगा, साइक्लो हेक्सा ट्राइन ऐसा नाम आप नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एल्कीन की तरह कोई प्रॉपर्टी ये शो नहीं करता है। किसी बच्चे ने कहा सर तो ये तो एल्कीन है, अनसेचुरेटेड की तरह दिखता है। नहीं, ये एल्कीन की तरह केमिकली बिहेव नहीं करता है, ये एक अच्छा सॉल्वेंट हुआ करता है स्टूडेंट्स। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आपने समझा। कुछ लोग इसको सिंपलीफाई करके इसका लाइन स्ट्रक्चर में ऐसे भी ड्रॉ किया करते हैं, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है। कुछ लोग इसको और सिंपलीफाई करते हैं, उसको मैं यहाँ बनाता हूँ। कुछ लोग इसको सिंपलीफाई करके इस तरह करके और एक रिंग बना देते हैं, है ना। ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है इसको रिंग जैसा भी बना सकते हैं। तो ये कई तरह के स्ट्रक्चर मैंने आपसे शेयर कर दिया है, किसका है? बेंजीन का है। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने ब्रांचिंग कैसे करेंगे, आइसोमेरिज्म कैसे करेंगे, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, इसको समझने की कोशिश किया है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।